एमपी में 22,36,000 युवा पहली बार डालेंगे वोट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। फाइनल लिस्ट में 5,61,36,000 वोटर, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। बुजुर्ग दिव्यांग को घर से मतदान की सुविधा, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम रंजन ने निर्वाचन सदन भोपाल में फाइनल वोटर लिस्ट पर जानकारी दी। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में 18 से 19 साल के 22,36,564 वोटर पहली बार वोट करेंगे। बुधवार को फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन कर दिया गया है। प्रदेश में कुल 5,61,36,229 वोटर हैं। नई लिस्ट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। 1,000 पुरुषों की तुलना में 945 महिलाएं हैं, जबकि 2011 में जेंडर रेशियो 1,000 पुरुष पर 931 का है। आबादी के हिसाब से मतदाताओं का अनुपात 64.75% है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि मध्य प्रदेश में कुल 5,61,36,229 मतदाता हैं। 2 अगस्त को ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन किया गया था, तब 5,43,00,000 मतदाता थे। इस पूरी अवधि में 24,33,000 नाम जोड़े गए हैं। 7.5 लाख नाम हटाए गए और लगभग 15 लाख नामों में संशोधन हुआ है। उन्होंने बताया कि अब तक जिन मतदाताओं ने नाम नहीं जुड़वाया है, वह इसकी वजह बताकर नाम जुड़वा सकेंगे, जिसे पूरक वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इस चुनाव में बुजुर्ग और दिव्यांगों को घर से ही मतदान करने की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए उन्हें 12D फॉर्म भरना होगा। नामांकन के 5 दिन के अंदर अगर यह फॉर्म भरा जाएगा तो आयोग की टीम घर जाकर मतदान कराएगी। मतदान निष्पक्ष रहे, वोट की गोपनीयता बनी रहे, इसके लिए वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। इसकी सूचना सभी राजनीतिक दलों को दी जाएगी। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन आज मध्य प्रदेश में सभी मतदान केंद्रों पे किया जा रहा है। 64,523 मतदान केंद्र हैं। आज की जो स्थिति है उसके हिसाब से हमारे जो जनरल इलेक्टर्स हैं, जो सामान्य मतदाता जिनको हम कहते हैं, उनकी संख्या 5,60,60,925 है। यदि हम राउंड फिगर में देखें तो लगभग 5,60,00,000 मतदाता हमारे हैं, जिनमें पुरुष मतदाता, मेल जो इलेक्टर्स हैं वो 2,88,00,000 हैं। मैं सिर्फ करोड़ की बात कर रहा हूँ। महिला मतदाताओं की संख्या 2,72,00,000 है। जो थर्ड जेंडर मतदाता हैं उनकी संख्या 1,373 है। हमारे जो ओवरसीज़ मतदाता हैं, जो विदेशों में रहते हैं, उनकी संख्या 99 है। जो हमारे सर्विस वोटर्स हैं, जो लोग आर्मी में और सेना में हैं, और उनको भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा होती है, उनकी संख्या 75,304 है। तो सभी प्रकार के जो हमारे इलेक्टर्स हैं उनको यदि हम टोटल करें, उनको मिला दें, तो ये संख्या जो मध्य प्रदेश में निर्वाचकों की संख्या है, जो इलेक्टर्स की संख्या है, वो 5,61,36,229 होती है। 5,61,36,229 हमारे कुल मतदाता हैं, हर कैटेगरी को मिला देते हैं। तो इसमें जो हमारे 80+ के मतदाता हैं उनकी संख्या 6,53,640 है। 100+ के मतदाताओं की संख्या 5,124 है। और इसमें भी पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। यदि लगभग 1,500 पुरुष मतदाता हैं 100+ के, तो 3,500 से अधिक हमारी महिला मतदाता हैं। जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उनकी संख्या 5,05,146 है। ये दोनों श्रेणी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है, 80+ और दिव्यांग, जैसा आप जानते हैं कि इनको घर से वोट करने की सुविधा मिलती है यदि ये चाहें तो। हम इनसे विकल्प लेते हैं चुनाव की घोषणा के बाद, और यदि ये अपने घर से मतदान करने का विकल्प चुनते हैं तो इनको घर से ही पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। एक और अच्छी चीज़ जो आपसे शेयर करना है कि हमारी जो जेंडर रेशियो है, एक तरह से 1,000 पुरुषों की तुलना में जो महिला मतदाताओं की संख्या है वो 945 है। जो सेंसस हमारा 2011 का हुआ था, जनगणना में जो हमारा जो अनुपात था, जेंडर रेशियो था, वो 931 था। उसकी तुलना में आज हमारा जो इलेक्टोरल रोल का जेंडर रेशियो 945 है। कहने का आशय ये है कि 18 वर्ष अधिक उम्र की
जो पात्र महिलाएं हैं उनमें लगभग सभी ने अपना नाम जुड़वाया है, तो एक अच्छी खबर है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।